जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क और फीस लागू है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके इष्ट देवता कौन हैं, आप गुरु किन्हें बनाए यदि आपने अभी तक नहीं बनाया है तो। दूसरा है कि सुख समृद्धि और घर में खुशहाली कैसे रहें इन सभी माध्यमों से, इन सभी तरीकों से, और हमारे इष्ट देवता है कौन जिसे जिनके हम पूजा अर्चना करें। और कई बार हम जिनके भी पूजा अर्चना कर रहे हैं वो हमारे इष्ट देव है भी या नहीं है, ये मुझे कई बार ये प्रश्न आप हर बार पूछा जा रहा है। तो इष्ट देवता से रिलेटेड मुझे हर बार कई सारे कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर एक अच्छा वीडियो आपके लिए बनाया जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके इष्ट देवता, गुरुदेव, गुरु देवता और इन सबके जो कन्फ्यूज़न है वो पूरा इस 4 मिनट 30 सेकंड के वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप और किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखें कि हमें इस विषय पर पंडित जी आप ज़रूर वीडियो बनाएं, मैं ज़रूर उन विषयों पर आपके लिए वीडियो, अच्छी जो भी जानकारी होगी वो लेकर ज़रूर आऊँगा। दूसरी बात है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, हर हर महादेव, मतलब भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें ताकि मुझे अच्छा लगे और इस बहाने हम ईश्वर का नाम ले सकें। दूसरा बात है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो अपनी एक राय ज़रूर लिखना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। फिर एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से अभी वर्तमान में आप गुजर रहे हैं तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। तो हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। बहुत से जातक जो होते हैं वो इस विषय को लेकर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे इष्ट देव ये है वो है। तो इष्ट देव दरअसल पहली बात तो होते क्या है ये आप जानें। कई बार हम जिस स्कूल में जन्मते हैं उस स्कूल के इष्ट देवता होते हैं, जैसे बहुत सारे जातकों के शिव है, महादेव है, कोई शुभ लक्ष्मी को, कोई भैरव बाबा को, मतलब हर एक संप्रदाय, हर एक गोत्र, हर एक कुल, उसमें अलग अलग इष्ट देवता की पूर्वजों द्वारा मान्यता है। वो पूर्वजों द्वारा मान्यता का जो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं जिन्हें मानते आए हैं उन्हें ही पीढ़ियाँ मानते आई हैं, वो उनका उस समय उस वर्तमान में जिस भी देवी देवता में उनका पूर्ण श्रद्धा था उन्होंने उसको माना और उसी को पीढ़ियों के साथ साथ आगे बढ़ा कर लाए हैं। तो बहुत से जातकों को ये पता होता है कि हमारे जो इष्ट देवता है हमारे कुल के यह हैं, और ज़्यादातर भारत में और पूरे वर्ल्ड वाइड जिनके इष्ट देवता हैं वो शिव है। तो नो डाउट जब भी आपको इस तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो शिव हमारे इष्ट देवता है, क्योंकि शिव जो है वो आदिकाल से है, अनंत काल से है, हम जब नहीं थे उससे पहले भी शिव थे। तो सबसे पहली बात, इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लें कि जब भी आपको इस तरह का लगे कि हमारे पैतृक जो है उनके माध्यम से इष्ट देवता कौन है तो शिव को मान लें। दूसरा, बहुत से जातकों को यदि पता है तो आप उन्हें मानें। और तीसरी जो सबसे अलग बात करूँ कि चलो मान लीजिए ये सब चीज़ें हमें नहीं पता है और हम इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप जिन भी देवी देवताओं को पूर्ण श्रद्धा के साथ मान रहे हैं वर्तमान में वही आपके इष्ट हैं, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप अलग अलग है पर रूप एक ही है, सब ईश्वर एक ही है। आप शिव को माने, ब्रह्मा जी को माने, विष्णु जी को माने, किसी भी देवी देवता को माने, आप उसी के अंश का, उसी के अंश की सेवा कर रहे, पूजा कर रहे। तो ये डाउट अपने मन से निकाल दें। जो मैंने बातें आपको बताई है इस वीडियो में वो सिर्फ इसलिए बताई कि जो आपका बहुत सारा कन्फ्यूज़न है ना वो तकलीफ दे विषय आपके लिए बनता है। और कभी भी इष्ट किसी से नाराज नहीं होते, कुल देवता कभी भी किसी से नाराज नहीं होते। जो एक भ्रांति है, लोग बोलते हैं आपसे कुल देवी नाराज है, कुल देवता नाराज है, ऐसा कोई नाराज नहीं होते। वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे, हम उनके संतान हैं, और कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते और वो कभी नाराज़ नहीं होते हैं। पर शर्त ये है कि आप प्लीज़ नशे से बाहर रहें, कोई व्यसन ना करें, नशा ना करें, महिलाओं का सम्मान करें, इन चीज़ों से थोड़ा सा दोस्तों बच के रहे। और हाँ, इष्ट तो बना लिया लेकिन इष्ट को मानना और इष्ट के मंत्रों का जाप करना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो अगर इष्ट के मंत्रों का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय को जाप करें और गुरु भी ओम को मान सकते हैं। अच्छा लगे लाइक करें, ओम नमः शिवाय।